नमस्कार बच्चों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई कहानी एकता टूटने पर पढ़कर आपको सुनाई थी। आज मैं इस कहानी का मूल भाव अर्थात इस कहानी में जो बात कहानीकार ने कही है, जो व्याख्या है, वह समझाने का प्रयास करूंगी। बच्चों, आपने एक कहानी सुनी होगी, आइए मैं वह कहानी आपको एक बार और सुनाऊं। एक बूढ़ा व्यक्ति और उसके सात बेटे। सातों बेटे आपस में लड़ते रहते हैं। बूढ़ा व्यक्ति उनके इस व्यवहार से परेशान है। वह सोचता है कि मेरी मृत्यु के पश्चात यदि ये इसी तरह लड़ते रहे तो बाहर वाले उनके इस व्यवहार का लाभ उठाएंगे और इन्हें अलग कर देंगे। बूढ़ा परेशान और चिंतित हो जाता है। अंत में उसे एक उपाय सोचता है और उस उपाय के तहत वह एक लकड़ी अपने हाथ में रखता है और अपने पहले बेटे को अपने पास बुलाता है। बेटा उसके पास आता है। बूढ़ा उसे लकड़ी देते हुए कहता है कि बेटे, यह लकड़ी तोड़ दो। बेटा सोचता है कि पिता का बुढ़ापा कहीं इनके दिमाग पर तो नहीं चढ़ गया। खैर, मुझे कहा है लकड़ी तोड़ने को, तो चलो मैं लकड़ी तोड़ दूं। और बड़ी ही आसानी से वह लकड़ी तोड़ देता है। इसके पश्चात बूढ़ा व्यक्ति अपने दूसरे बेटे को भी बुलाता है और यही कार्य वह उससे भी कहता है। इस तरह एक एक कर वह अपने सभी बेटों को अपने पास बुलाता है और उन्हें लकड़ी तोड़ने को कहता है। सभी बेटे आसानी से लकड़ी को तोड़ देते हैं। अब वह बूढ़ा व्यक्ति लकड़ियों का एक गट्ठर लाता है, अर्थात पूरा बंच लेकर आता है और पहले बेटे को देता है। कहता है, बेटा, जैसे तुमने पहली बार में वह लकड़ी तोड़ दी थी, उसी तरह इसे भी तोड़कर दिखाओ। बेटा हर संभव प्रयास करता है, किंतु लकड़ियों का वह गट्ठर किसी भी तरह से वह तोड़ नहीं पाता। इस कार्य को सातों बेटे मिलकर भी नहीं कर पाते हैं। बच्चों, यहाँ जिस बात को इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं या जानते हैं, वह यह बात है कि एकता में बल है। जब हम एक होकर रहते हैं तो हमें कोई नहीं तोड़ पाता। किसी भी तरह की बुरी परिस्थिति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, किंतु जब हम अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई और झगड़े करने लगते हैं, तो इसका लाभ किसी तीसरे व्यक्ति को मिलता है और वह हमें सहजता से, आसानी से अलग कर देता है। आपकी यह कहानी एकता टूटने पर भी कुछ इसी प्रकार की कहानी है। इसमें तीन दोस्तों की चर्चा है, सुनहरा मुर्गा, काला बंदर और लाल मीठे अमरूदों वाला पेड़। तीनों में आपस में बड़ी दोस्ती है। ऐसी दोस्ती कि तीनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। कसाई
सुनहरा मुर्गा पकड़ने की तलाश में है, ताक में है। चिड़ियाघर वाले काले बंदर को पकड़कर ले जाना चाहते हैं और स्कूल के बच्चे फल वाले अमरूद के पेड़ पर निगाहें किए बैठे हैं, किंतु तीनों ने एक दूसरे को बचाने की ऐसी योजना बना रखी है कि कसाई चिड़ियाघर वाले, स्कूली बच्चे और फल वाले मिलकर भी इन तीनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जब भी कसाई आता है, वह इस प्रयास में आता है कि इस बार वह सुनहरा मुर्गा पकड़ ही लेगा, किंतु पेड़ और बंदर दोनों मिलकर सुनहरे मुर्गे को बचा लेते हैं। चिड़ियाघर वाले बंदर को पकड़ने आते हैं, तो यहाँ सुनहरा मुर्गा और पेड़ मिलकर बंदर को बचा लेते हैं। स्कूली बच्चे फल वाले अमरूद के लालच में वहाँ आते हैं, पेड़ के पास आते हैं, तो सुनहरा मुर्गा और काला बंदर मिलकर अमरूद के पेड़ की रक्षा करते हैं और इस प्रकार दोनों अपनी एकता और मित्रता का परिचय देते हैं। तीनों मिलकर कसाई, चिड़ियाघर वालों और स्कूली बच्चों तथा फल वालों को मिलकर भगा देते हैं। आगे चलकर एक दिन खूब बरसात होती है, ओले पड़ते हैं, अर्थात ओलों की बारिश होती है, जिसे हम अंग्रेजी में हेल स्टोन्स भी बोलते हैं, उनकी बरसात होती है। तीनों मित्र खूब भीगते हैं, तीनों का भीग भीग कर बुरा हाल हो जाता है। और अब परेशानी यह कि तीनों ने ऐसी परिस्थिति में एक दूसरे को बचाने की कोई योजना, कोई प्लानिंग पहले की ही नहीं थी, तो अब उन पर आफत यह आती है कि तीनों ही इस परिस्थिति के शिकार हो जाते हैं। बंदर भीगते हुए सोचता है कि पेड़ और मुर्गा मिलकर उसे नहीं बचा रहे हैं। मुर्गा सोचता है कि बंदर और पेड़ अपनी रक्षा कर रहे हैं, मेरी ओर कोई देख भी नहीं रहा। पेड़ भी कुछ ऐसा ही सोचता है, वह सोचता है कि विपत्ति के दिनों में मैंने दोनों की सहायता की और आज जब मुझ पर विपत्ति आ पड़ी है तो दोनों मेरी ओर देख ही नहीं रहे। तीनों मन ही मन एक दूसरे पर कुढ़ने लगते हैं, खींचने लगते हैं। उनकी एकता की भावना, मित्रता की भावना नष्ट होने लगती है और धीरे धीरे वह समाप्त भी हो जाती है। बारिश बंद हो जाती है, बरसात थम जाती है, रुक जाती है, किंतु तीनों के मन में एक दूसरे के प्रति जो बुरे भाव आए थे वे वहीं के वहीं रह जाते हैं, वे समाप्त नहीं हो पाते, वे भाव नष्ट नहीं हो पाते। इसका फायदा किसे मिलता है आपको समझ में आ ही गया होगा। कुछ दिनों के बाद कसाई फिर आता है सुनहरे मुर्गे को पकड़ने की ताक में। अब सुनहरे मुर्गे को बचाने के लिए न पेड़ आगे आता है और न काला बंदर। सुनहरा मुर्गा बड़ी ही आसानी से कसाई के थैले में बंद हो जाता है और कसाई उसे लेकर चला जाता है। काले बंदर को पकड़ने के लिए चिड़ियाघर वाले आते हैं। अब उसे बचाने के लिए सुनहरा मुर्गा वहां नहीं है, पेड़ है
किंतु पेड़ के मन में उसके प्रति बुरे विचार हैं, अतः वह उसका साथ नहीं देता। और बंदर भी आसानी से चिड़ियाघर वालों के जाल में फंस जाता है और चिड़ियाघर में तमाशा दिखाने के लिए चला जाता है। अब बचता है पेड़। पेड़ को काटने के लिए उसके अमरूदों के लालच में फल वाले स्कूली बच्चे और शेष लोग वहां आते हैं और पेड़ को काट डालते हैं। फल बच्चे उठाकर भागते हैं, फल वाले लेकर जाते हैं और लकड़ियां लोग अपने कंधों पर लेकर जलाने के लिए वहां से चले जाते हैं। इस तरह उनकी एकता टूटती है, उनकी मित्रता समाप्त होती है, एक दूसरे के प्रति बुरे विचार उनके मन में आते हैं और तीनों बुरी परिस्थिति का, विकट परिस्थिति का शिकार बन जाते हैं। एक गिलहरी वहीं रहती है, वह उनकी योजना को देखती थी, सुनती थी, समझती थी तो चकित हुआ करती थी। और जब वह अब उन्हें इन हालातों में जाते हुए देखती है तो मन में सोचती है, बड़े आए थे दोस्त बनने, देखो अब किस तरह जा रहे हैं। पेड़ को देखकर सोचती है, जा रहा है दूसरों का चूल्हा जलाने। तो बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि एकता बनाए रखिए। यदि एकता टूटती है तो विपत्ति बहुत ही सरलता से दरवाजे से प्रवेश करती है और हमें अपना शिकार बना लेती है। इस कहानी के लेखक श्री मोहन राकेश जी ने भी यही बात आपसे कही है। इस कहानी के पीछे उनका यही उद्देश्य है कि आप एकता के बल को समझें। एकता में बल है, स्ट्रेंथ है, ताकत है, शक्ति है। इस बात को आप समझें और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर एक दूसरे में भेदभाव न करें। सभी समान हैं, सभी को समानता का दर्जा दें, सभी को मित्र माने, अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे की बुरी परिस्थिति में सहयोग दें और अच्छी भावनाओं को अपने मन में स्थान दें, क्योंकि बुरी भावनाएं आपको नीचे ले जाती हैं, पतन की ओर ले जाती हैं। तो बच्चों, अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।